नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा ने जो भर्तियां हैं उनको लेकर बैठक का आयोजन किया, समीक्षा बैठक यहां पर ली और विभिन्न भर्तियों की नियुक्ति जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनकी विस्तृत रूप से चर्चा की। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने ली भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समीक्षा बैठक। पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की प्राथमिकता, लंबित भर्ती परीक्षाएं शीघ्र आयोजित। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न भर्तियों के 7000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को 29 जून को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के नवनियुक्त कार्मिकों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। साथ ही विभागवार खाली पदों की जानकारी के लिए विकसित किया जाएगा ऑनलाइन सिस्टम और न्यायिक प्रक्रिया में अटकी भर्तियों का भी शीघ्र निस्तारण होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भर्तियां हैं उनकी समीक्षा की, खाली पदों की समीक्षा की, प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा की। साथ ही 29 जून को 7000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। साथ ही जो नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं उनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और खाली विभागवार पदों के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने और उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की को बेरोजगारी के दंश से मुक्ति दिलाने के लिए सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से तय समय में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार के कुछ ही महीनों के कार्यकाल में अब तक विभिन्न विभागों में 16000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि 29 जून को राज्य के विभिन्न विभागों में 7000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त विभाग भर्तियों के लक्ष्य निर्धारित कर भर्ती एजेंसी को हर वर्ष दिसंबर माह में जो अर्थना है वो प्रेषित किए और भर्ती एजेंसियाँ कैलेंडर जारी कर टाइमली परीक्षा का आयोजन कर परिणाम घोषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती कैलेंडर जारी होने से अभ्यर्थियों को परीक्षा तैयारी करने के लिए समय मिलेगा एवं आगामी भर्तियों की जानकारी भी उनके पास होगी। मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों को कम समय में इंटरव्यू प्रोसेस को भी पूरा करने को कहा, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो सके। उन्होंने कहा कि आयोजित हो चुकी सभी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करें तथा 11000 से अधिक पदों पर जारी परीक्षा परिणाम के सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करने के भी निर्देश इन्होंने जारी किए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के निर्देश भी यहाँ पर जारी किए। लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करें। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में अधिक समय से लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने पर विशेष जोर देते हुए स्वायत्तशासन विभाग में सफाई कर्मियों के पदों पर 10 दिन में लॉटरी निकालने, मेडिकल डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 14000 से अधिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग में राज्यम भर्ती एजेंसी के माध्यम से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के रिक्त पदों को जल्द भरने की कार्रवाई करने को कहा, जिससे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने सूचना सहायक भर्ती का परिणाम 2 सप्ताह में जारी करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आगामी भर्तियों को पारदर्शिता के साथ आयोजित करें। माननीय मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में आगामी माहों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित कराएं तथा विभागीय सचिव प्रक्रियाधीन भर्तियों के संघन मॉनिटरिंग का सुनिश्चित करें। और उन्होंने विशेष रूप से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 जून को प्रस्तावित कंप्यूटर परीक्षा तथा कनिष्ठ सहायकों के पदों पर शीघ्र परीक्षा आयोजन करने के निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं, गत सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक, नकल के मामले सामने आने के बाद राज्य का युवा निराशा में डूब चुका है। मिली भगत और भ्रष्टाचार के कारण योग्य नौजवानों का जो हक है छीनकर दूसरे लोगों में बांट दिया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई तमाम भर्तियों की समीक्षा करवा रही है, साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी होने के कई जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही नवनियुक्त कार्मिकों की कार्य बढ़ाएं कार्य कुशलता। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में नियुक्ति के तुरंत बाद नवीन कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने, विभागीय कामकाज की जानकारी देने, कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों में ट्रेनिंग सेशन और कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। न्यायिक प्रक्रिया में नहीं अटके नियुक्तियाँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में के न्यायिक प्रक्रिया से अटकने से युवाओं के हितों को प्रभावित होता है तथा भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। इसलिए सभी विभाग विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी करने से पहले सभी जो टेक्निकल पॉइंट है उसका अध्ययन कर लें ताकि जो भर्तियाँ हैं वो न्यायालय में नहीं अटके। रिक्त पदों की जानकारी के लिए तैयार किया जाएगा ऑनलाइन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्मिक विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसा सिस्टम डेवलप करे जिसके माध्यम से खाली पदों, निकट भविष्य में होने वाले रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन रूप से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष पारदर्शी बनाने के लिए समस्त विभाग, भर्ती एजेंसी परीक्षा आयोजन में AI तकनीक का इस्तेमाल करें तथा अनियमितता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को मजबूत बनाएं। मुख्यमंत्री ने गत सरकार के कार्यकाल में संपन्न हुई शारीरिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु उच्च मानक युक्त नियम बनाने के निर्देश जारी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के निर्देश दिए हैं कि निजी विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्रियों की वैधानिकता की जांच करवाएं तथा जांच में सहयोग न करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 41,413 पदों पर भर्ती के जो आवेदन हैं वो आमंत्रित किए जा चुके हैं तथा 11,633 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा चुकी है। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शेखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्रीमती सुब्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण श्री संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्रीमती श्रेया गुहा, विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव सहित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन श्री आलोक राज तथा RPSEM RSSB के सचिव उपस्थित रहे। तो दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर जो वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, साथ ही जिनके रिजल्ट जारी होने हैं, उन सभी को लेकर जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, आने वाली जो भर्तियां हैं उनको लेकर चर्चा की, समीक्षा बैठक का आयोजन किया और टाइमली और निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ मेडिकल डिपार्टमेंट की जो भर्तियां हैं उनको भी शीघ्र जारी कर, जो भर्तियां हैं उनका निपटारा शीघ्र करने के निर्देश यहां पर जारी किए हैं। साथ ही 29 जून को माननीय मुख्यमंत्री 7,000 से अधिक अभ्यर्थियों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान करेंगे। साथ ही साथ रिक्त पदों और संभावित होने वाले जो रिक्त पद हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए कार्मिक विभाग को डायरेक्शन दिए हैं कि एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे आगामी माहों में होने वाले रिक्त पदों और वर्तमान में जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी आम जन को मिल सके। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।